जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र राय जी मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी बहन अन्नपूर्णा देवी जी, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्रीमान ओपी चौधरी जी, ओपी आ गया हो सबको ताली बजाओ ओपी चौधरी के लिए सभी, और जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारे बरकट्टा के विधानसभा के प्रत्याशी अमित यादव जी आ गया हो, अमित, बरही के मनोज यादव जी, मनोज जी आ गया, ये कोडरमा की बहन नीरा यादव जी, नीरा जी आ गया, ये और बगोदर के श्री नागेंद्र महतो जी, महतो जी आगर आई है, सभी के लिए एक बार जोर से ताली बजाकर स्वागत करिए। भाइयों बहनों, सबसे पहले झारखंड की पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करकर आप सभी को मेरा जोहार पहुंचाता हूं, आप सभी को बहुत बहुत जोहार। मैं सूर्य मंदिर को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये पत्रकार छायाकार जरा बैठ जाइए भाई, सेट कर बैठ जाओ भाई, मैं यहीं रहकर बोलूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, बैठ जाइए। अरे बैठ रहे यार, बैठ रहे, चिल्ला चिल्ली मत करो, बैठ जाएंगे। बोलो भारत माता की। मैं उत्तरी छोटा नागपुर की इस पवित्र धरती, जहां कंकर कंकर में शंकर का वास है, ऐसी पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम जोहार। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में झारखंड में परिवर्तन करना है, ये इंडी अलायंस की सरकार को उखाड़कर मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनानी है। मुझे बताओ बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो बनाओगे? कमल फूल की सरकार, ये परिवर्तन केवल इसलिए नहीं करना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को बदलना है, पिछड़े समाज के किए हुए अन्याय का हमने बदला चुकाना है, इसलिए नहीं करना है, ये परिवर्तन करना है, हमारे झारखंड के युवाओं को बचाने के लिए परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना। भाइयों बहनों, ये हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, और नहीं दूंगा तो इस्तीफा दे दूंगा। युवाएं मुझे बताओ, 25 लाख युवाओं को नौकरी मिला है क्या? अरे जोर से बोलो मिला है क्या? अरे आप कमल फूल की सरकार बना दो, पहले ही साल 2,85,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। उन्होंने कहा था युवाओं को हम बेकारी भत्ता देंगे, आपको भत्ता मिला है क्या? जोर से बोलो मिला है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है,
कि हम हर युवा को, ग्रेजुएट और डबल ग्रेजुएट युवा को हर माह 2000 रुपये का बेकारी भत्ता देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन करना है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। लाखों लाखों लोग हैं, जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मैं सभी को पूछना चाहता हूं, कभी आपने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है भाई? अरे जोर से बोलो, देखा है क्या? माताएं बहने बताए, देखा है क्या? ये इंडी अलायंस के विधायक के घर से 350 करोड़ रुपया एक साथ मिला। अब गिनती कैसे करें? तो गिनती करने की मशीनें मंगाई गई। मैं माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, 27 मशीनें थी, मगर सबकी सब गरम होकर बंद हो गई। इतना पैसा ये हेमंत सोरेन खा गए। भाई ये हेमंत सोरेन अरबोपति बने, खरबोपति बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको है? मगर मैं एक बात पूछने आया हूं, हेमंत सोरेन साहब की अगुवाई में ये आलम और ये इनके एमपी 300 करोड़ रुपया, 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया खा गया, ये किसका है भाई? जरा बोलो किसका है? अरे झारखंड के युवाओं, झारखंड की माताओं दीदियों, ये पैसा मोदी जी ने आपके लिए भेजा था, आपके लिए भेजा था, जो झारखंड सरकार खा गई। मुझे बताओ, मोदी जी का भेजा हुआ 100 करोड़ रुपया झारखंड सरकार खा गई, इसको रखना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रखना चाहिए क्या? इसीलिए मैं बरकट्टा आया हूं, आने वाले चुनाव में 13 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर ये हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए और एक कमल फूल की सरकार लाइए। भाइयों बहनों, ये सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड के दरवाजे खुले छोड़े हैं। एक घुसपैठी है, हमारी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ दूसरी शादी, तीसरी शादी करते हैं। युवाओं, आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? झारखंड की जमीन कब्जा रहे, आप सहमत हो क्या? जोर से बोले, सहमत हो? और आपकी रोजी रोटी भी छीन रहे हैं, आप सहमत हो क्या? मैंने कई बार कहा, झारखंड हाई कोर्ट ने कहा इसको रोकिए, मगर हेमंत सोरेन रोकने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी ये वोट बैंक है, वोट बैंक। हेमंत बाबू, आपकी वोट बैंक, आपको मुबारक। मैं आज कहकर जाता हूं माताओं बहनों को, झारखंड के युवाओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये कह रहे हैं कि परिवर्तन क्यों चाहिए, झारखंड की माताओं बहनों पर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। 17 से लेकर 24 तक झारखंड में अपराध की संख्या, माताओं बहनों पर अपराध की संख्या कितनी बढ़ गई? 49% बढ़ गई है। अंकिता की हत्या होती, जिंदा जला दिए जाते, उनकी वोट बैंक के लिए एक कोई सवाल नहीं उठाते। मैं आज कहकर जाता हूं कि जिन जिन लोगों ने माताओं बहनों पर अत्याचार किया है, उस सबको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, वहां का
कोडरमा का पत्थर उद्योग भी बंद कर दिया। हम आने वाले दिनों में कोडरमा के पत्थर उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, ये रेत माफिया रेत लूट रहा है, हेमंत के गुंडे रेत माफिया बन गए हैं, मगर मैं कहकर जाता हूं माताओं बहनों, आपको घर बनाना हो तो चिंता मत करिएगा, सारे के सारे रेत माफियाओं को, बालू माफियाओं को हम जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मुझे बताओ, नौकरी के लिए बच्चों की परीक्षा लेने तक तो ठीक है, आज झारखंड में नौकरी के लिए बच्चों की स्थिति ये हो गई कि दौड़ लगाते लगाते 17 युवा मर गए, और इनके माथे पर जू रेंती नहीं है, ये 17 परिवारों के नौनिहाल अपनी जान दे दिए। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, इसके जिम्मेदार जो भी अधिकारी है वो सभी पर कदम उठाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, पेपर लीक हुए, 11 से ज्यादा पेपर परीक्षा के लीक हुए, मगर हेमंत बाबू खामोश, क्योंकि पेपर लीक कराने वाले उन्हीं के चट्टे पट्टे हैं। हेमंत बाबू, भाजपा सरकार आएगी वो नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों पर चलेगी। आपने भले संरक्षण दिया, मैं कहकर जाता हूं हम SIT बनाकर ये पेपर लीक करने वालों को जेल की सराखों के पीछे बांधने का काम करेंगे। भाइयों करेंगे, मुझे झारखंड वालों बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, जोर से बताओ है या नहीं, और जोर से बताओ है या नहीं। तो मोदी जी 2019 में कश्मीर में से धारा 300 हटाने का बिल लेकर आए, ये हेमंत सोरेन के सारे सांसद हमारे खिलाफ खड़े हो गए। कोई बात नहीं, ये पूरा गमड़िया गठबंधन हमारे खिलाफ था, लालू जी की पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी, JM, ये सारे खिलाफ थे, मगर मोदी जी ने पलक झपकते ही धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये सारे लोग विरोध करते थे, मगर विरोध करते रह गए। 19 में आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, कंस्ट्रक्शन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और 550 साल के बाद पहली बार दीपावली रामलल्ला ने अपने भव्य मंदिर में मनाई। मित्रों, भव्य मंदिर में मनाई। भाइयों बहनों, एक किसानों की बात करते हैं, किसानों का धान खरीदने की कोई व्यवस्था है क्या कोडरमा वालों? बताओ तो जरा, है? मैं आपको वादा कर जाता हूं, MSP पर एक एक दाना दलहन भारतीय जनता पार्टी खरीदेगी, और दूसरा, एक एक दाना धान 3100 रुपया क्विंटल के दाम से भारतीय जनता पार्टी खरीदेगी। भाइयों बहनों, आप लोग किसान कल्याण चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, कल मैंने
हेमंत बाबू का भाषण सुना, मोदी जी हमारे 1,00,000 करोड़ का हिसाब दो, मैंने हेमंत बाबू जैसा झूठ बोलने वाला आदमी मेरे जीवन में नहीं देखा है। भाइयों बहनों, आज ये विशाल सभा के अंदर मैं मुख्यमंत्री जी को पूछ कर जाता हूं, यूपीए की सरकार 10 साल चले, लालू सोनिया आपकी पार्टी सब इसके अंदर हिस्सेदार थे, झारखंड को क्या दिया? भाइयों बहनों, 2004 से 14 के बीच में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया, 84,000, कितना दिया? जोर से बोलो, कितना दिया? और मोदी जी ने 10 साल में 84,000 करोड़ के सामने 3,80,000 करोड़ रुपया देने का काम किया, और इसके अलावे 81,000 करोड़ रुपया रेलवे और रोड के लिए, और कई सारे नए रेलवे स्टेशन, 3 एयरपोर्ट, हमारे बाबा का एयरपोर्ट बनाने का काम किया और उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ऊर्जा के लिए ढेर सारे हमने यहां पर स्टोर लगाए, और हमने हमारा वादा किया है संकल्प पत्र के अंदर, इतनी सारी माताएं बहनें दीदी आई हैं आपके बैंक अकाउंट में हर महीना 2100 रुपया भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गैस का दाम कितना भी बढ़ जाए, हम 500 रुपये में झारखंड की माताओं को गैस देने का काम करेंगे, और दीपावली और रक्षाबंधन में एक एक गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर घर में नल से जल देंगे, 10,00,000 तक सभी गरीबों का, मतलब 80% झारखंड की आबादी का 10,00,000 तक का इलाज मुफ्त में करा जाएगा, और 100% झारखंड की आबादी में 70 साल से बड़े आयु वाले सभी नागरिकों का इलाज 5,00,000 तक मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। हम घुसपैठ को तो बंद करेंगे, परंतु जो घुसपैठिए घुसे हैं उनको भी चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये हेमंत सोरेन की सरकार ने ढेर सारे वादा खिलाफी के काम किए हैं। उन्होंने 7,000 रुपये का बेकारी भत्ता कहा था, नहीं दिया। हर गरीब को खटाखट 72,000 रुपया देना था, नहीं दिया। विधवाओं को, माताओं को और वृद्धों को, दिव्यांगों को 2,500 रुपया देना था, नहीं दिया। मगर मैं कहकर जाता हूं, हर विधवा बहन, हर वृद्ध को, हर दिव्यांग को भारतीय जनता पार्टी 2,500 रुपया हर महीने इसके बैंक अकाउंट में देने का काम करेगी। भाइयों बहनों, हमारा झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य, झारखंड के पास हमारी खदानों में इतनी खनिज संपदा है कि पूरे देश से ज्यादा संपत्ति झारखंड के पास है। मगर दुर्भाग्य देखिए, जो झारखंड पूरे देश में सबसे समृद्ध है, वो झारखंडी देश में सबसे गरीब। युवा यहां से मजदूरी करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, बेंगलुरु तक जाता है, केलर तक जाता है। मैं कहना चाहता हूं, कोई युवा को केरल, बेंगलुरु, हरियाणा, महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा झारखंड बनाएंगे के युवा अपनी पत्नी और बूढ़े मां बाप के साथ यही रोजगारी प्राप्त कर सके, और इसीलिए परिवर्तन करना है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, हमारे चारों प्रत्याशी आगे आ जाओ भाई, चारे लोग, चारों प्रत्याशियों को
प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल फूल पर बटन दबाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? डबल इंजन सरकार बनाओगे? झारखंड में परिवर्तन करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भी।